चरगावां ब्लॉक पर आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव आयुष्मान स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह द्वारा फीता काट कर किया गया। इस स्वास्थ्य मेले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न बीमारियों के रोकथाम और उनके उपचार को लेकर आमजन को जागरूक करने के साथ ही मेले में भारी संख्या में पहुंचे लोगों को विभिन्न बीमारियों से ग्रसित निःशुल्क इलाज एवं उनमें निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। साथ ही बीपी शुगर सहित अन्य जाँच भी किए गए। इस दौरान एडिशनल CMO डॉक्टर नंद कुमार, चरगावां ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुन्ना सिंह सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कर्मचारी व लाभार्थी मौजूद रहे। श्री मनीष तगड़ी से निवेदन करूंगा कि मनचा सिंह सभी अतिथियों का माल्यार्पण करके स्वागत करें। हाँ, मनीष को माल्यार्पण करके स्वागत करें। डॉक्टर बीके सिंह मेरी आवाज जा रही हो तो कृपया मंच में आए। अभी वो सांसद प्रतिनिधि जी कार्यक्रम नरेंद्र यादव के घर पर स्टीकर लगा रही है और जो दस्तक अभियान चल रहा है, जो घर घर जाकर के लोगों ने लगातार मेहनत करते हुए टीकाकरण किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का किया जाए। और हुआ भी है, पहले एक ही पॉइंट पर 400 बच्चे लेके जाते द्वितीय स्थान पे आए हैं और क्योंकि इन बच्चों को कहीं ट्रायल के लिए जाना है तो इनको हम लोग नहीं पा रहे। इस स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन जब हम लोग छोटे छोटे थे, बच्चे थे, उस समय हम गांव में देखते थे केंद्र और प्रदेश की सरकार निरंतर गांव गरीब किसानों के लिए चिंता करती है कि ये जो हमारे बच्चे हैं वो कल के भविष्य हैं। अभी बाबू लाल जी गुप्त ने कहा कि वास्तव में अमृत जब व्यक्ति स्वस्थ है तो निश्चित है कि वह अधिक समय तक इस देश के लिए, समाज के लिए अपना योगदान दे सकता है, लेकिन जब शरीर रुग्ण रहेगा, बीमारी से ग्रसित रहेगा तो कोई काम नहीं कर सकता है। और शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है तो उसे जागरूक भी होना पड़ेगा। और उस कड़ी में जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए, आकर के यहाँ पर उसका लाभ लेना चाहिए। और सरकार इसके लिए मैंने कहा कि कृत संकल्पित है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ी जो उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान गोल्डन कार्ड के माध्यम से गांव के उन गरीब परिवारों को 2011 के आर्थिक गणना के आधार पर जो सूची बनी थी उसमें सब लोगों को जो आयुष्मान गोल्डन कार्ड दिया गया था उसमें 5 लाख रुपए तक की दवा की व्यवस्था उसमें की गई है। और अब तो अंत्योदय कार्ड धारक जितने हैं उनका भी बन रहा है, ये बन जाने चाहिए। 100% इसमें हम सबका योगदान होना चाहिए। मैं समझता हूं कि अभी 100% 2011 की जो सूची है या जितने भी जो अंत्योदय कार्ड हैं अभी तक इस कार्ड 100% नहीं बन पाए हैं, तो इसे भी हमें बना करके लोगों को इससे जोड़ने की जरूरत है ताकि वे स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले सकें। भूख लगी है क्या? थोड़ा सा प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार में हुआ करती और आप जैसे कर्मठ बातों की पी ना होती। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव ये हर ब्लॉक में पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज़ादी के 75वें वर्ष में देखिए हर व्यक्ति को स्वस्थ होना समाज के लिए और देश के लिए बहुत ज़रूरी है। जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी
वो अपने समाज के लिए, अपने लिए और देश के लिए कार्य कर सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये मेले का जो आयोजन किया गया है, एक मंच यहाँ दिया गया है। हर मर्ज की यहाँ पर दवा है, हर डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपने जो भी जैसा जिसकी बीमारी है उसके अनुसार वो अपना यहाँ पर परामर्श ले रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं और यहाँ पर सबको दवाएँ भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। व्यक्ति इस मेले का लाभ ले करके अपने को स्वस्थ कर ले, अपने आप में बहुत बड़ी जो सोच है मोदी जी की, योगी जी की, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अंत्योदय अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले। उसी क्रम में ये जो आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये कार्यक्रम आयोजित किया।